आपने अपनी किताब के पहली चैप्टर में आसाराम की प्रोफाइलिंग की है और जी उसमें जी कई दिलचस्प खुलासे हैं कि ये तो कई लोगों को पता है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में ये तांगा चलाता था, पिलग्रिम्स को ट्रांसपोर्ट करता था, लेकिन ये शराब का कारोबार भी करता था साबरमती के किनारे। ये सब जानकारियां आपके लिए भी चौंकाने वाली रही थी शुरुआत में या? ये समस्त जानकारियां चौंकाने वाली थी। किसी भी संत महात्मा के बारे में इस तरह की उम्मीद कोई भी करता नहीं है। बट यहाँ मैं एक डिस्क्लोजर जरूर देना चाहूंगा कि आसाराम के खुद के जीवन के बारे में जो कुछ इस बुक में जो फैक्ट मैंने रखे हैं उनमें काफी कुछ फैक्ट तो वो है जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारी टीम्स देश के अनेक हिस्सों में गई और वहां से उन्होंने जो सूचनाएं आम लोगों से इंटरेक्शन से जो जुटाई कुछ सूचनाएं तो वो है। जी और ज्यादातर सूचना इसमें वो है जो ऑलरेडी किसी न किसी रूप में किसी न किसी मीडिया में ऑलरेडी अलग अलग न्यूज पब्लिसाइज्ड रिपोर्ट्स में उपलब्ध है। न्यूज रिपोर्ट्स उपलब्ध है, वही उन्हीं का संग्रहण करके मैं ये इनिशियल फर्स्ट चैप्टर जो है वो उसी के आधार पे लिखा हूँ। जब फाइनली वो लड़की आती है और आप लोगों के अधिकारियों के सामने बयान देती है तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन, बिकॉज यू हैव रिटन इन डिटेल कि हमने एक टीम बनाई, उनको ब्रीफ किया, तो जिस तरीके से आपने टीम के एक एक व्यक्ति से पहले अलग अलग बात की, उस टीम को जैसे चुना और बिल्ड किया, वो जी न सिर्फ सिटीजन्स के लिए या रीडर्स के लिए बल्कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए भी एक एसओपी हो सकता है जी जब इस तरह का कोई सो कॉल्ड केस आए, पॉक्सो एक्ट का, या जिसमें हाई प्रोफाइल लोग इन्वॉल्व हो, तो शुरुआत से ही किस तरह की सावधानियां बरतनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दर्शकों को बताया जाए कि वो आफ्टर हियरिंग द गर्ल एंड आफ्टर रियलाइजिंग, एक अपनी गट फीलिंग होती है ना कि ये जी मैनिपुलेशन नहीं है, दिस इज जी एक्चुअली द जी विक्टिम, लेकिन जी इमोशंस के हिसाब से तो संविधान नहीं चलता, कानून नहीं चलता है, आपको बिल्कुल फिर फैक्ट जुटाने होते हैं। तो शुरुआती प्रोसेस क्या था आपका, टीम बिल्ड करने का, टीम सिलेक्ट करने का, और इनिशियल ब्रीफ क्या था, क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में था। आई कैन से दिस कि ही इज द बिगेस्ट गॉडमैन इन इंडिया जिसको अदालत से सजा हुई है। जब विक्टिम और उसकी फैमिली मेरे ऑफिस पहुंचते हैं तो मुझे पता था कुछ समय बाद ये पहुंचने वाले हैं। ये सूचना जो टीम आ रही थी दिल्ली से उस टीम के साथ लगातार हम कनेक्ट थे। तो क्योंकि बच्ची अपनी बात जो कुछ भी बताएगी तो वो कोई भी मेल ऑफिसर को बताने में हमेशा हिचकेगी, तो मैंने होगी इसका ध्यान रखते हुए पूरी सेंसिटिविटी के साथ बच्ची की बात सुनी जाए इसके लिए एक हमारी जो महिला थाना SHO उस वक्त थी मुक्ता पारिक, मुक्ता पारी उस जी मुक्ता पारिक उसको ऑफिस में बुला लिया था। साथ ही साथ क्योंकि जैसा कि आपने बताया ये एक बड़े गोडमैन के खिलाफ एक FIR आने वाली थी, ऐसे में एक सीनियर रैंक ऑफिसर से अगर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए तो उस पे किसी तरह का गलती होने का चांसेस कम रहता है। ऐसे में हमारे वहाँ जो मेरे जिले में RPS ऑफिसर जो राजस्थान पुलिस सर्विस से जो ऑफिसर्स आते हैं तो वो एक RPS ऑफिसर महिला चंचल मिश्रा थी, उनको मैंने बुला लिया। और एक मेरे जो 2IC थे जो एडिशनल DCP उस समय सतीश यादव हुआ जी करते थे, आजकल वो रिटायर हो गए, उनको बुला लिया। जब विक्टिम और उसकी फैमिली वहां पहुंचते हैं तब हम चारों लोग मेरे चैम्बर में मौजूद रहते हैं। विक्टिम ने अपनी विक्टिम के फादर की तरफ से वो जो रिपोर्ट दी गई थी दिल्ली पुलिस को, वो रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की टीम मुझे देख करके वो तो अपना जनरल कर्टसी का अपना सल्यूट किया और वो टीम चली जाती। हैंड ओवर के बाद चली जाती है। जी वो लीगल हैंडओवर टेक ओवर हुआ और वो चले गए। उसके बाद जो वो FIR पढ़ी तो FIR पढ़ने मात्र से ये लग रहा था कि ये बच्ची ये सारा घटनाक्रम हमारे जेंट्स के बीच में नहीं बता पाएगी। तो मैंने मुक्ता पारिक जो SHO महिला थाना थी उनको बच्ची को लेकर के दूसरे साइड के ऑफिस में भेज दिया और बताया कि आप डिटेल में बच्ची से पूछ के फिर बताइए कि ये क्या घटनाक्रम हुआ है। कुछ समय बाद जब मुक्ता पारिक चैम्बर में ऑफिस में लौटती हैं तो सीवाज ए लेडी जिसके पास 20 साल का पुलिस का एक्सपीरियंस था, वो जब लौटती है तो उस महिला अधिकारी मुक्ता पारिक की आंखों में आंसू होते हैं और मैंने उसके साथ काम करते हुए भी 2 साल वहाँ जोधपुर में हो गया था,
कई टफ केसेस उसने हैंडल किए थे जिसमें उसको पर्सनल थ्रेट भी कई बार रही होगी, बट कभी मैंने उस महिला अधिकारी को इस तरह से डिवास्टेटेड स्टेज में नहीं देखा। तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके मुंह से सिर्फ एक लाइन निकली कि सर रेप तो हुआ है। तो जब वो ये चीज बताती है उसके बाद आई रेस्पेक्टेड द जजमेंट ऑफ मुख्तार। मुझे उसमें उस वक्त ये लगा कि इसने 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जनरली हम पुलिस वाले लगातार अपराधी और पीड़ित उनसे मिलते जुलते रहते हैं और ऐसे में एक प्राइमरी पूछताछ से ही काफी कुछ एहसास हो जाता है कि सामने वाला बोलने वाला कितना सच बोल रहा है। लेकिन सिर्फ इमोशंस पे हम नहीं जा सकते थे, लीगली हमें सारी चीजों को जांचना परखना था। साथ ही साथ जिसके खिलाफ ये एफआईआर दी जा रही थी वो एक एक पूरे हिंदुस्तान में बड़े आदर के साथ जिसका नाम लिया जाता था, ऐसे व्यक्ति को कोई ब्लैकमेल करने की भी कोई साजिश हो सकती है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ किसी पैरेलल ग्रुप की कोई साजिश हो सकती है, ऐसी किसी भी संभावना को नकारने के लिए हमें पूरे प्रकरण की गहराई तक जाने की जरूरत थी। यहाँ हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इंसिडेंट 15 अगस्त की नाइट को हुआ था और ये एफआईआर 5 दिन बाद हमारे पास जोधपुर में दर्ज होती है 20 अगस्त। ऐसे में ये जो क्रूशियल 5 दिन का जो समय बीत जाता है, इस समय में जो कोई भी क्रूशियल एविडेंस, चाहे कोई साइंटिफिक एविडेंस हो, चाहे कोई सीन ऑफ क्राइम इंटैक्ट है, फॉरेंसिक के लिहाज से वो सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में हमें एक डेडिकेटेड टीम ऐसी जुटानी थी जो सीन ऑफ क्राइम से सारे एविडेंस भी कलेक्ट कर सके, जो विक्टिम और विक्टिम की फैमिली से संबंधित सारी जानकारी जुटा सके, साथ ही साथ विक्टिम की फैमिली के एंटीसिडेंट भी पता कर सके और विक्टिम की फैमिली के जो कोई भी जान पहचान रिश्ते नाते संपर्क वाले जितने भी लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी जुटा सके, ताकि हम इसके लिए 100% श्योर हो सके कि किसी भी तरह से ये कोई ब्लैकमेल करने का या ये कोई प्लांट करके केस कराने जैसी कोई घटना ना हो। इसके अलावा आश्रम के अनेक जगह पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आश्रम थे, लगातार वो उन आश्रम में जाते रहे हैं, उन समस्त जगहों से भी हमें जाकर के आश्रम की ट्रू पिक्चर, उनका ट्रू नेचर जो था वो पता करने की भी जरूरत थी, ताकि एक एक लार्जर पिक्चर हमारे समझ में आ सके कि इसमें होलिस्टिक व्यू हम कोई ले सके। इसके अलावा ये तय था, हम जब पुलिस में रोजमर्रा में केसेस करते हैं और जो कोई भी जिसमें कोई प्रभावशाली व्यक्ति अगर कोई शामिल होता है तो ऐसे में अनेक तरह के प्रलोभन, अनेक तरह के थ्रेट्स आना स्वाभाविक रहता है। तो ऐसे में टीम चयन के वक्त ये ध्यान भी रखा जाना था कि कोई भी हमारी टीम का मेंबर किसी भी तरह के इन्फ्लुएंस से प्रभावित ना हो। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी आसाराम है, अब उस वक्त जब एफआईआर दर्ज हुई है उस दिन वो दिल्ली में है, लेकिन उसके पश्चात वो कहाँ है, उसके मूवमेंट्स में लगातार निगरानी रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी थी। जनरली देखा गया है कि जो आदमी फाइनेंशियली स्ट्रोंग रहता है वो किसी तरह का कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंसने लगता है तो वो जल्दी ही किसी न किसी माध्यम से अपने देश को छोड़कर विदेश में चला जाता है और उसके बाद हमारी यहाँ की पुलिस लीगल लेकुनाज में उलझ के रह जाती है, उस तक हम नहीं पहुंच पाते। तो हमें ये सुनिश्चित भी करना था कि ये देश छोड़ के बाहर ना निकल जाए। साथ ही साथ ये जहाँ कहीं भी जिस दिन हमें इन्वेस्टिगेशन पूरा होता है और मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन में इनके खिलाफ जुर्म प्रमाणित पुलिस मानती है, तो ऐसे में जब अरेस्ट करने का वक्त आएगा तो अरेस्ट करते समय भी इनके फॉलोअर्स, इनके भक्त सपोर्टर काफी तादाद में रहेंगे, तो वहां से कैसे ला पाए इतने बोल्ड मजबूत अधिकारी जो पूरी बहादुरी के साथ बिना डरे बिना हिचके लेके आ सके, ऐसी टीम का चयन करना भी जरूरी था। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जब सारे चीजों के बारे में विवेचन किया मैंने अपने पुलिस कमिश्नर बीजू जोसफ थे उस वक्त हमारे पुलिस कमिश्नर, उन्हीं की गाइडेंस में सारा केस चला, उनसे जब डिस्कस किए ये सारे पहलू तो उन्होंने फिर
मुझे फ्री हैंड दिया कि आप अपने हिसाब से इन सारे पैमानों पे खरा उतरने वाली एक टीम का चयन करें और वही टीम इस पूरे केस को अंतिम अंजाम तक पहुंचाए, जो भी इसमें सच्चाई है, चाहे ये सच है या झूठ है, बट सारी चीजें पब्लिक के सामने ला सके। वो टीम चयन के इनिशियल जो एक्सरसाइज थी, इनिशियल जो पैरामीटर्स थे, वो ये सब रहे।